घरों में अगर आप भंडारण करते हैं तो आपको भंडारण व्यवस्था को सीखना पड़ेगा, चाहे वो छोटा किसान है या बड़ा किसान है। अगर गलत ढंग से काम किया गया तो उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। फसल जब भी काटें ध्यान रखें कि उसको भंडारण कैसे करना है ताकि आपको नुकसान कम से कम हो या हो ही ना। आज बात करेंगे भंडारण की। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन विश्व कृषि खाद्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना पूरे विश्व भर में करीब 5.5 करोड़ टन अनाज की बर्बादी होती है जो भंडारण के दौरान खराब हो जाता है। इतना अनाज जो करीब 25 करोड़ भूखे लोगों का पेट भर सकता है। क्यों होती है ये बर्बादी, क्यों होता है अनाज खराब, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय सरदाना जी, जो कि कृषि व्यापार विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सर। जैसा अभी हमने कहा कि करीब 5.5 करोड़ टन जो अनाज है वो बर्बाद हो जाता है सिर्फ भंडारण के दौरान, ऐसा होता क्यों है? देखिए, अनाज जो है वो एक जीवित वस्तु है और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। एक अनाज की अपनी प्रकृति है। दूसरा, जो अनाज हमारे लिए अच्छा है वो अनाज चूहों के लिए, बैक्टीरिया के लिए, कीड़ों के लिए भी उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही लाभदायक है। तो जब भी कोई खाने की वस्तु या खाने की चीज इन चीज़ों को मिलती है, या जैसे चूहा है, बैक्टीरिया है, या हमारे बाकी कीड़े हैं, तो वो भी उसमें पनपते हैं और उनको खाते हैं। जब वो चीज़ें खाते हैं तो वो अनाज हमारे खाने लायक नहीं रहता, और इसीलिए हम कहते हैं कि फूड वेस्टेज हो रहा है स्टोरेज के समय में। जी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती है। अगर हम ढंग से भंडारण करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो चीज़ें अनाजों को खराब करती हैं वो अनाज में ना पनपें, तो हमारा जो जिसको हम कहते हैं वेस्टेज या भंडारण में चीज़ों का क्षय होना, वो कम हो जाएगा और वो फिर ह्यूमन सिस्टम को या आदमियों को खाने को मिलेगा। जी सर, कहा जाता है कि बीज पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि भंडारण के दौरान, कहते हैं कि जब फसल आप उगाने जाते हैं कोई बीज आपको चुनना हो तो चुनाव उस वक्त सही से करेंगे तो भंडारण के समय आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, निश्चित रूप से अगर आज आप देखें इतनी तरह के बीज हैं बाजार में। जी। और उसमें भंडारण की क्षमता, जिसको हम कह सकते हैं कि बीज की अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होती हैं। जितना हम बीज को सिलेक्शन में ध्यान देंगे या बीज के ट्रीटमेंट पे ध्यान देंगे, बिल्कुल उतना हमें भंडारण में आगे फर्क दिखेगा। खेत से फसल काटने के कितने दिन के अंदर उसका भंडारण कर देना चाहिए? वैज्ञानिक तरीका ये है कि जब आप स्टोर कर रहे हैं कोई भी ग्रेन को या अनाज को, उसमें जो नमी है वो 14% से कम होनी चाहिए। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप ये देखें कि आप ऐसा कमरा लें जिसमें नमी ना आए, क्योंकि नमी सबसे बड़ा शत्रु है भंडारण में, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक हो सके जमीन पे ना रखें। जी। वहाँ पे चाहे 4 ईंटें बिछा लें या पुरानी लकड़ी के कुछ तख्ते से बिछा दें और उसके ऊपर रखें, क्योंकि हवा का सर्कुलेशन भी भंडारण में बहुत ज़रूरी है। जी। ताकि जबकि हवा का सर्कुलेशन रहेगा तो अनाज सूखा रहेगा, जब अनाज सूखा रहेगा गर्मी का उत्पादन नहीं होगा तो कीड़े कम उगेंगे, पैदा होंगे। रही बात तीसरी चीज़ कि चूहों को हम कैसे रोकें, जब हम गोडाउन का या वेयरहाउसिंग का जो भी डिजाइनिंग करें, वो डिजाइन हम वेयरहाउस का इस तरह से करें कि उसमें चूहा घुस नहीं पाए। जी। तो हम चूहे से भी अपना बचाव कर सकते हैं। जी। अगर हम इन 3-4 बेसिक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, काफी हद तक हम अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। कौन से केमिकल यूज होते हैं? अलग काफी केमिकल है, जैसे क्विक फॉस एक केमिकल आता है, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि बहुत सारे केमिकल हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि ये केमिकल कीड़ों को मारने के इस्तेमाल आते हैं। क्योंकि जब कीड़ा पैदा हो जाता है तो ये केमिकल होते हैं, इनकी एक खासियत होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूमिगेशन। ये केमिकल जब डिजॉल्व होते हैं या जब ये काफ़ी समय हम उनको एक स्टोर में रखते हैं तो ये अपने में से जैसे एक गंध छोड़ते हैं या उसमें से अपनी ये गैस छोड़ते हैं। ये जब गैस हम छोड़ते हैं तो जो कीड़ा है वो जब सांस लेता है तो उसके लिए पॉइजन का काम करता है और कीड़ा मरता है। लेकिन अगर ये कीड़ा भी मारता है तो ये पॉइजनस है। तो जब आप इनका इस्तेमाल करें बहुत सावधानी रखें, क्योंकि ये जहरीले केमिकल होते हैं। जी। कई बार हम कैजुअली इस्तेमाल कर लेते हैं, साथ में कमरा है वहाँ हमने जाके कैजुअली रख दिया। बच्चों का एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो समझदार है वही करे, ढंग से ये रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसे गोली छोड़ दी अनाज में और अनाज में मिल गई, कल को किसी ने बगैर निकाले उसको पीस दिया अनाज तो जहर अनाज में चला जाएगा। तो जो इंस्ट्रक्शन लेबल पे दिए जाते हैं
उनको जरूर पढ़ें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने कि उसको अनाज के अंदर आपने दवाई लगाई है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप उस स्टोर रूम का दरवाजा खोलें तो सीधे उसमें ना घुस जाएं। जी। क्योंकि उस समय हो सकता है कि उस समय दवाई का वहां पे वातावरण हो, हवा में जो जहरीलापन है वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। उसके दरवाजे खोल दें, थोड़े समय उनको खुले रहने दें, जब तक उसकी हवा अच्छी तरह से बदल नहीं जाए तब तक आप उसमें ना घुसें। सर, चूहों का और कीड़ों का खाया हुआ अनाज कितना मतलब हानिकारक हो सकता है? मान लीजिए उसे कोई इस्तेमाल में लाता है तो उसकी पौष्टिकता पर, उसकी गुणवत्ता पर कितना असर पड़ता है? निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, क्योंकि कीड़े दो तरह के होते हैं। एक तो कीड़ा जो बाहर से अनाज को खाता है, एक कीड़ा होता है जो अंदर से खाता है। जी। आपको बाहर से देखने में ग्रेन एकदम सही लगेगा लेकिन अंदर से पूरा खोखला हो जाता है, क्योंकि अंदर जो कीड़े हैं वो खा चुके होते हैं उसको। दूसरी बात, जब चूहा खाता है या कीड़े खाते हैं तो उसमें एक कंटेमिनेशन आ सकता है। अब जैसे किसी अनाज को चूहे ने खा लिया और आप उसको ह्यूमन सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ चूहा अनाज नहीं खा रहा है, वो अपने साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी छोड़ सकता है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं अगर आपने उसको ढंग से सफाई नहीं करी है। तो ये बातें निश्चित रूप से हैं कि कोई भी अनाज अगर उसमें बैक्टीरिया लग गया या इन्फेस्टेशन हो गया है या कीड़ा लग गया है तो निश्चित रूप से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। जहां तक हो सके उसको आप अवॉइड करिए। भंडारण के दौरान ही इतना अनाज सड़गल जाता है, क्षमता नहीं है या उचित प्रबंधन की कमी है? कई कारण हैं। फसल भी गलत ढंग से हार्वेस्ट की जा सकती है, उसके कारण नुकसान है। व्यवस्था ठीक नहीं है तब भी नुकसान होगा, भंडारण नहीं है तो भी नुकसान होगा, और भंडारण का डिजाइन गलत है तो भी नुकसान होगा। इसीलिए पूरी चेन को समझना जरूरी है, हार्वेस्टिंग से लेकर स्टोरेज तक इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। जो लोग भंडारण व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं गुड डिजाइन प्रैक्टिसेस फॉर स्टोरेज, ये जो बेसिक चीजें हैं इनको समझें, भंडारण व्यवस्था को समझें। ये एक पूरी वैज्ञानिक पद्धति है, जनरल नॉलेज काफी हद तक काम आ सकती है लेकिन वैज्ञानिक पद्धति को समझें और गोडाउन सही डिजाइन करें, स्टोरेज सिस्टम डिजाइन करें, सही ढंग से फसल को खरीदें और स्टोर करें, तभी आप इस नुकसान से रोक पाएंगे। अगर आपने कहीं पे भी गलती करी, एक भी छोटा गलती हुई, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। मेरा बस यही निवेदन है कि इस पद्धति को समझें, भंडारण व्यवस्था की विज्ञान को समझें और अपनाएं। आधार सही होगा तो परिणाम जरूर अच्छा निकलेगा। भंडारण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कितनी बेहतर होनी चाहिए, सब निर्भर करता है कि आप उसे कैसा बनाते हैं। आपके भंडारण का तरीका सही होगा तो आपका अनाज ना सड़ेगा, ना गलेगा, ना उसे चूहे खाएंगे, ना कीड़े खाएंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।